स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। कल उनका 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले महीने 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लता मंगेशकर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान वे निमोनिया से भी ग्रसित हो गई थी और लंबे समय तक आईसीयू में रहने के बाद आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। कल लता मंगेशकर को आखिरी बार देखने के लिए शिवाजी पार्क में बॉलीवुड सेलेब्स का जमावड़ा लग गया। लता जी के आखिरी दर्शन करने शाहरुख खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे। शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ लता जी के दर्शन करने पहुंचे थे। शाहरुख के हाथों में लता दीदी को समर्पित करने के लिए एक फूलों का हार भी है। वीडियो में शाहरुख फूलों का हार लिए और मुंह पर मास्क लगाए देखे जा सकते हैं। फ्रेम में उनके साथ सचिन तेंदुलकर भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और वीडियो में शाहरुख खान लता मंगेशकर की आत्मा के शांति के लिए दुआ पढ़ते और उन पर फूंक मारते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग शाहरुख की तारीफ कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि ऐसा केवल किंग ही कर सकता है। बता दें, लता मंगेशकर के आखिरी दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, जावेद अख्तर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराधा पौडवाल, राहुल वेग, विदा बालन, राज ठाकरे समेत कई अन्य सितारे पहुंचे थे। सिंधे सर, सिंधे।